फ्रेंड्स, नाउ इन दिस वीडियो हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस के एडवांटेजेस क्या क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। बेसिकली जो भी डेरिवेटिव प्रोडक्ट जिसमें हम लोग काम करते हैं उसके एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो पहले स्लाइड में, पहले पार्ट में मैं आपको बताना चाहूंगा एडवांटेजेस ऑफ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, विच इज एडवांटेजेस ऑफ डेरिवेटिव ट्रेडिंग। पहला पॉइंट जिसको कहते हैं Easy adjustment of market exposure. मैं रिपीट करूंगा, मार्केट एक्सपोजर का इजी एडजस्टमेंट इज नीडेड, इज इंपॉर्टेंट इन डेरिवेटिव ट्रेडिंग। जो डेरिवेटिव ट्रेडिंग होती है उसमें इजी एडजस्टमेंट के थ्रू क्या होता है कि मार्केट हमेशा खुद को रीएडजस्ट करता है, और डेरिवेटिव में आप बाय भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द नीड। सो एडजस्टमेंट इज पॉसिबल, जो कि एक इन्वेस्टर हमेशा बाई कर सकता है, बट एक डेरिवेटिव इन्वेस्टर या डेरिवेटिव ट्रेडर बाई भी कर सकता है और सेल भी कर सकता है डिपेंडिंग ऑन इट्स अंडरस्टैंडिंग। दोस्तों दूसरा पॉइंट है जिसको कहते हैं रिडक्शन इन द ट्रांजेक्शन कॉस्ट। अब दोस्तों आपको पता होगा कि जो भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं बेसिकली नॉर्मल कैश में या फिर डिलीवरी बाइंग में, उसमें दो चीजें लगती हैं, पहली ब्रोकरेज और दूसरी उस ब्रोकरेज के ऊपर एसटीटी लगती है। तो अब दोस्तों जो अगर हम लोग फ्यूचर्स में या ऑप्शंस में डेरिवेटिव्स में काम करते हैं तो उसके कंपेयर में यहाँ पे जो ट्रांजेक्शनल चार्जेस होते हैं वो कहीं ना कहीं चीपर होते हैं। तो दूसरा पॉइंट ये है। तीसरा पॉइंट सेम डे सेटलमेंट होता है, दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेजेस ऑफ फ्यूचर एंड ऑप्शन। नॉर्मली आपको पता होगा कि टी प्लस टू पे होता है सेटलमेंट अपने कैश का, कैश मतलब लॉन्ग टर्म वाले जो हम जो पोर्टफोलियो शेयर्स बाई करते हैं उसका जो सेटलमेंट होता है वो हमेशा टी प्लस टू पे होता है। थर्ड पॉइंट जिसको हमने बहुत ही अच्छे से समझना जरूरी था कि जो सेटलमेंट है ये सेम डे होने के तीन फायदे हैं। पहला फायदा सेम अन इमीडिएट पे आउट, दूसरा फायदा क्विक सेटलमेंट कैन लेड टू मोर फास्टर ट्रेड, और तीसरा फायदा कि क्विक सेटलमेंट के थ्रू हम लोग अपने टर्न अराउंड टाइम को डिक्रीज करते हैं ताकि हमारी जो एज अ ट्रेडिंग एफिशिएंसी काफी अच्छी होती है, काफी डेवलप होती है। चौथी चीज नो डिसरप्शन ऑफ अंडरलाइंग एसेट मैनेजमेंट, मतलब जो भी हम लोग एसेट हम लोगों का अंडरलाइंग है वो हमारा एज अ ब्रोकर जो होता है उसके थ्रू जो अंडरलाइंग एसेट होती है उसकी वैल्यू प्रोपोर्शनेटली फिक्स होती है, तो कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू हर मोमेंट पे चेंज नहीं होती है। तो नो वैल्यू चेंज इन द अंडरलाइंग एसेट मैनेजमेंट। पांचवा पॉइंट क्या है कि जो क्रेडिट है वो सेम डे पे आपका फॉर ए पर्टिकुलर रिस्क पीरियड होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप जो अभी जैसे सपोज आप बाई करते हैं तो उसमें जो रिस्क होता है और रिवार्ड होता है कहीं ना कहीं वो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा होता है, बट इसमें अगर हमें लगता है कि आज हमें सेल करने से फायदा हो रहा है तो हम सेल करके भी पैसा कमा सकते हैं। तो जो हमारा स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन है ट्रेडिंग का वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। इस टाइम ड्यूरेशन के कम होने से दो फायदे हैं, पहला कि हम लोग के पास एक कैपिटल अवेलेबिलिटी होती है, और दूसरा फायदा कि जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है वो कहीं ना कहीं ज्यादा फेवरेबल हो जाता है। तो वैसे लोग जो थोड़ा फास्टली पैसा कमाना चाहते हैं लॉन्ग टर्म में और एक कंसिस्टेंट जनरेट रिटर्न की कोशिश करते हैं, उनके लिए मुझे लगता है कि डेरिवेटिव ट्रेडिंग को सीखना, डेरिवेटिव ट्रेडिंग को समझना एक काफी एडवांटेजियस प्रोसेस है। तो दोस्तों ये पार्ट वन है वीडियो का जिसमें मैं आपको एडवांटेजेस बता रहा हूं फ्यूचर एंड ऑप्शंस के। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इस एडवांटेजेस के बाद हम लोग जो सेकेंड पार्ट बनाएंगे वो होगा डिसएडवांटेजेस का, डेरिवेटिव्स का। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।